भानपुरा नगर में कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए आज प्रशासन ने सख्ती दिखाई। वहां बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई और उन्हें समझाइश दी गई कि मास्क का प्रयोग करें, वह शासन के नियमों का पूर्ण तरह से पालन करें। वहीं दूसरी ओर कई दिनों से चल रही वाहन अव्यवस्थित खड़े करने की समस्या को लेकर उस पर भी आज कार्रवाई की गई। भानपुरा तहसीलदार व थाना प्रभारी द्वारा रोड पर अव्यवस्थित वाहन खड़े करने वालों को हिदायत दी गई कि आप अपने वाहनों को अव्यवस्थित खड़ा ना करें व अव्यवस्थित खड़े वाहनों को रोड से हटाया गया। सर, क्या कार्रवाई की गई आज पूरे नगर में आपका भ्रमण किया गया? कोविड-19 को सुरक्षा को देखते हुए बिना मास्क वाले पर चालानी कार्रवाई की गई पुलिस के साथ और नगर परिषद सर टीम के साथ संयुक्त रूप से। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए जो गाड़ियाँ फिजिकल तरीके से रोड से भट जाती है उनको साइड लगाया गया, समझाई दी गई है। अगली बार से यदि रोड को ट्रैफिक को भी बाधित करेगा तो उसके पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भानपुरा में चालानी कार्रवाई की गई, कितने रुपए की चालानी कार्रवाई की गई और लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो बिना मास्क के भी कहीं ज़्यादा दुकानों पे भीड़ नजर आ रही है, क्या कहेंगे? आज राजस्व विभाग, नगर परिषद भानपुरा और पुलिस थाना भानपुरा की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए मास्क की चालानी कार्रवाई की गई है। साथ ही दुकानदारों को भी आज समझाइश दी गई कि जो उनके साथ ग्राहक आ रहे हैं वो कोविड का पालन करते हुए सैनिटाइजर रखें और मास्क पहनाएं। सर, नाबालिग बच्चे बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ियाँ चलाते हैं, बिना मास्क के चलाते हैं, ऐसे लोगों ऊपर ऊपर कार्रवाई कब तक की जाएगी? आज इस संबंध में हम लोगों की चर्चा हुई है, ट्रैफिक को लेकर के हम लोग बैठे हैं। आज हम लोगों ने इसमें कार्रवाई करी है और जल्दी इसमें हम ट्रैफिक को लेकर के अभियान चला करके नाबालिग के अगेंस्ट में अभियान चला के कार्रवाई करेंगे। कैनन न्यूज़ के लिए भानपुरा से सत्यनारायण बैरागी की रिपोर्ट।